सब लोगों के लिए जय मसीह। आज का आराधना कार्यक्रम के लिए हमारे प्रभु यीशु उद्धारकर्ता, हमारा रखवाला यीशु मसीह के नाम में आपको सब लोगों को निमंत्रण करते हैं। आज का आराधना कार्यक्रम ऐसे रहता है, हम लोग अपनी प्रेयर से शुरू करके एक गाना गा के बाद में हम आराधना के लिए संदेश सुनेंगे। संदेश के बाद आप लोगों को 10 मिनट व्यक्तिगत रूप से प्रभु को आराधना करने के लिए समय देता है। समय में प्रभु को आपको आराधना कर सकता है। बाद में हम मैसेज गाना सुन के, गाने के बाद हम मैसेज सुनेंगे, मेन मैसेज के बाद हम प्रार्थना करके मेज में भाग लेंगे। इसलिए अभी मेज में भाग लेने के लिए जो जो रोटी अदरक रस मेज बना के रख दीजिए। जब हम लोग इधर प्रार्थना पूर्वक से हम रोटी तोड़ेंगे, अदरक रस में भाग लेंगे, वही समय में आप लोग अब मेज में भाग ले सकता है। बाद में हम लोग टेबल के लिए प्रार्थना करके बाद में गाना गाएंगे। गाना गाने के टाइम में प्रभु के लिए ऑफरिंग्स लाएंगे। जब ऑफरिंग्स लाएंगे बाद में अनाउंसमेंट सुन के प्रेयर बेनेडिक्शन लेके हम आराधना कार्यक्रम को समाप्त कर देंगे। इसलिए हम आराधना के कार्यक्रम के लिए हम प्रभु सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमको प्रभु अब रक्षा किया है, बचाया है, स्वर्गीय स्थान छोड़कर प्रभु इस दुनिया में आया है प्रभु, क्रूस पर लहू बहा के हमको प्रभु उद्धार किया है और इस दुनिया में प्रभु यहोवा जीरे बोल के हमारा जीवन देख रहा है, देखभाल कर रहा है। इसलिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, टोप का अनुग्रह के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, आपके दया के लिए, आपका विश्वासिता के लिए, आप सब भलाई के आशीषों के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी ये आराधना कार्यक्रम के लिए आपका मदद मांगते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। गाना गाने के समय में भी प्रभु, आराधना मैसेज सुनने के समय में, व्यक्तिगत रूप से प्रभु आपको आराधना करने के टाइम में भी सहायता कीजिए। और एक ब्रदर भी हमारा बीच में प्रभु, स्टीफन ब्रदर जो दिल्ली में सेवा करता है, वो मेन मैसेज प्रभु लाने वाला है आपका सिंहासन से। प्रभु आपको ब्रदर को भी हम आपका उपस्थिति में लाते हैं प्रभु, सहायता कीजिए, हमसे बातें कीजिए, हमारा जीवन प्रभु हम ठीक ठाक करने के लिए, आपका आगमन के लिए तैयार रखने के लिए हमको सहायता कीजिए। और जो प्रभु जो ऑनलाइन में सेवा प्रभु करने के लिए आप सहायता कर रहा है, जो टेक्निकल टीम के लिए भी प्रार्थना करते हैं, सब परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, कार्यक्रम आपका हाथों में चूमते हुए प्रभु आप आदि से अंत तक हमारा साथ रह के सब कुछ ठीक करके प्रभु आपको महिमा मिलने के लिए प्रभु आ कार्यक्रम करने के लिए प्रभु सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उस मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। प्रियो, हम अभी एक गाना गाएंगे। Thank you.
आइए हम आराधना करने के पहले वचन से कुछ भाग देख के प्रभु का आराधना करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। क्षमा कीजिए, भजन संहिता 80 का 8 और 9 वचन, 8 और 9 भजन साम्स 80 वर्स 8 और 9 मैं पढ़ रहा हूं। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। प्रार्थना करेंगे। हमारा प्रिय परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, यह वचन हमारे सामने लाया है। प्रभु, मनन करने के टाइम में आपका सहायता मांगते हैं, उसको भी आपका क्रूस के पीछे रखे बातें कर दीजिए। हमारा प्रभु को आत्म सच्चाई से आराधना करने के लिए हमको तैयार कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, आज हम आराधना के लिए वो भजन संहिता 80 8 और 9 वचन पढ़ा है। हम ये फरवरी 6 तारीख फरवरी महीना में हमारा बेतलहम होस्ट वर्शिप 15 साल हुआ है। उसी के संदर्भ में
जो 15 साल जो प्रभु ने हमको दया दिखाया, उसका अनुग्रह दिया, प्रेम दिखाया और स्वास्थ्य दिखाया और बहुत आशीष भले काम प्रभु ने किया हमारे लिए, व्यक्तिगत रूप से, परिवार के रूप से, मंडली के लिए। इसलिए प्रभु को स्तुति धन्यवाद करने के लिए हम लोग आज इकट्ठा हो गया है। प्रभु 15 साल संभाला है, रक्षा किया है, हमारा साथ था, बहुत भलाइया किया है, आशीष किया है। इसमें जो हम लोग पढ़ा है भजन संहिता 80:8-9 में, इधर हम लोग 4 संगति देख सकता है। पहला है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया। दाखलता को ले आया। दूसरा ये क्या है, वो अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया है, लाया है और लगा दिया है। और तीसरा संगति क्या है, तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है। चौथा क्या है, और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया। दाखलता को लाया है इसलिए स्तुति धन्यवाद करना है। दाखलता को लाया इसलिए प्रभु इस भजन संहिता में लिखा है, तू मिस्र से एक दाखलता ले आया। कहाँ था ये दाखलता? मिस्र देश में था, परमेश्वर से अलग था, मिस्र देश से। जब मिस्र देश में दाखलता था, उससे प्रभु ने लाया है। वो दाखलता कहाँ था? मिस्र देश में था। मिस्र देश मतलब एक तो कारण दिया है, वो निर्गमन का पुस्तक 20:2 में लिखा है, इधर मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मिस्र देश का मतलब क्या बोल रहा है, ये तो दासत्व के घर, ये दाखलता कहाँ था? दासत्व के घर में था, दासत्व के घर में था। लेकिन दासत्व में घर में आए बोल के प्रभु ने उसको छोड़ा नहीं, कभी प्रभु हमको छोड़ता नहीं है, वो छोड़ा नहीं। लेकिन हमारा दासत्व में प्रभु हमको छोड़ा नहीं है, लेकिन क्या किया, उधर से हमको लाया है। मतलब हम दासत्व में थे, कौन सा दासत्व में थे? रोमियों का पत्री 6, रोमियों का पत्री 6:17-18। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाल गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, पाप दासत्व के घर में था, पाप का दास हम लोग पाप के दासत्व में था। पाप मतलब क्या है? पाप का वही रोमियो का पत्री 6:23 में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। पाप के दासत्व में था, मृत्यु के नीचे था हम लोग। इस हम लोगों को मृत्यु में नहीं छोड़ा प्रभु ने, हमको दासत्व में नहीं छोड़ा, लेकिन क्या है, दासत्व से, पाप से हमको छुड़ाया है। इसलिए प्रभु को हम स्तुति धन्यवाद करना चाहिए। कैसा वो छुड़ाया प्रभु ने, पहला पत्रस 18:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से
चला जाता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कैसा हुआ है हमारा छुटकारा? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है, छुटकारा मिला है। इसलिए प्रभु को हम स्तुति धन्यवाद करेंगे। और हम लोग कहाँ था? एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 12-13 वचन में लिखा है, मतलब हम दासत्व में था, मिस्र देश में था, प्रभु से दूर था, प्रभु से अलग था। उसी के लिए हम एफिसियों का पत्री दूसरा अध्याय 12-13 वचन में, तुम लोग उस समय मसीह से अलग था और इसराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की बचा वाचाओं के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे, पर अब मसीहा यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। बहुत दूर थे लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोगों को छुटकारा मिला है। इसलिए प्रभु ने वो छुटकारा हमको छुड़ा के मिस्र देश से लाया है। कौन लाया है? तू लाया है, तू मिस्र से लाया, मतलब परमेश्वर ने हमको लाया है। इसलिए स्तुति धन्यवाद करना है। प्रभु मुझको, मैं मिस्र देश में था, मतलब दुनिया में था, पाप के दास, पाप के अधीन था, मैं आपके लिए दूर था, लेकिन प्रभु मुझको याद किया है। इसलिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं, उसको याद किया है और इधर से उसको छुड़ा कर इधर लाया है प्रभु। इसलिए स्तुति धन्यवाद करते हैं। और क्या है, दूसरा क्या है? और अन्य जातियों को निकाल कर उसे लगा दिया, मतलब मुझे उसका जीवन में प्रभु मुझको स्थिर किया है, विश्वास जीवन में सब कुछ दे दिया है। इसलिए स्तुति धन्यवाद करता हूँ। और तीसरा विषय ये है कि तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है, मुझके लिए स्थान तैयार किया है। मैं कहाँ से आया? बेंगलोर, बहुत दूर से आया हूँ, लेकिन प्रभु जब मैं इधर आया मुझके लिए एक स्थान बनाया। क्या दिया? मंडली दिया, परिवार दिया और सेवक दिया, सब लोग जो 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 हमको सिखाने वाला, सब लोगों को मुझके लिए दिया है, वो स्थान उसके लिए तैयार रखा है। मैं सोचा भी नहीं था जब इधर जाएगा हम उसको मंडली मिलता है, हमको उधार मिलता है, बोल के हम सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रभु इधर आके मुझको लाके मुझको इधर स्थिर करके और मुझको क्या किया? स्थान तैयार किया है। इसलिए स्तुति धन्यवाद करते हैं। फाइनली फोर्थ पॉइंट क्या है? और उसने जड़ पकड़ी और फैल कर देश को भर दिया, मेरा जीवन में उन्नति दिया, भलाई दिया, आशीष दिया। इस वो जड़ क्या हुआ? वो जड़ पकड़ी और वो दाखलता ने क्या किया? वो जड़ पकड़ी और फैल कर उसको फैला दिया, उसको उन्नति दे दिया। इसलिए प्रभु मैं स्तुति धन्यवाद करता हूँ। इसलिए ये चार संगति मनन करते हुए प्रभु को हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। इसलिए प्रभु मुझको मिस्र देश से लाया है, प्रभु और मुझको इधर लगा के मेरा विश्वास जीवन स्थिर किया है। और क्या किया? प्रभु मुझको उसके लिए स्थल तैयार किया है और मेरा जीवन में उन्नति लाया है, उद्धार दिया है, मुझको याद किया है। ये सब चीज हम याद करके प्रभु को जो जो आशीष किया है, भलाई किया है और सब कुछ चीजों के लिए जो प्रभु ने हम लोग दिया है, उसके लिए हम प्रभु को स्तुति धन्यवाद करेंगे। प्रभु ये वचन को आशीष करे। अभी आप लोगों के लिए 10 मिनट टाइम दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से प्रभु को हम आराधना करेंगे।
अभी एक पेन में से सुनने के पहले हम एक गीत गाएंगे। प्रेमी स्वर के पिताजी, दयालु परमेश्वर, दया का धनी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, प्रेमी स्वर के पिताजी, पाप क्षमा करने के लिए तुझे अधिकार है प्रभु जी। प्रेमी स्वर के पिताजी, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मगर तेरा वचन नहीं टलेगी प्रभु जी। प्रेमी स्वर के पिताजी, तेरा प्रेम सनातन प्रेम से हमसे प्रेम करने वाला प्रभु जी, अनंत जीवन देने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो वचन जो हम दे रहे तेरे वचन के तो हमसे बात कीजिए। तो दयालु कृपालु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा पापों क्षमा का अनुभव हम पा सके प्रभु जी।
तेरे वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए, हमारा प्रार्थना सुनिए, प्रभु से ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो जो कुछ हम विश्वास करते, जो परमेश्वर का वचन है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मगर परमेश्वर का वचन नहीं टलेगी, क्योंकि मत्ती सुसमाचार 23 और लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगा मगर तेरा वचन नहीं टलेगा। और प्रभु यीशु परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, जो कुछ इस पृथ्वी पे है सब कुछ तत्काल का है, जो कुछ परमेश्वर का है अनंत काल का है। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय और 4 वचन, यूहन्ना सुसमाचार 3:6, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वो आत्मा है। हम सब लोग शरीर में जन्म लिया, हर अलग अलग नागरिकी में, अलग अलग भाषा और अलग अलग संस्कृति में हम जीते, ये तो शरीर है। मगर क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार 4:24 में लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, जो परमेश्वर आत्मा है, जो परमेश्वर को जानने के लिए हम आत्मा में जन्म लेना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा में जन्म लेना। परमेश्वर आत्मा में जन्म लेने क्या होता है? देखिए प्रेरितों काम 2:37, जो प्रभु का वचन जिसने सुना था उनका हृदय चित गए और पत्रस से पूछने लगे, उद्धार पाने के क्या करना चाहिए? पत्र ने कहा, तुम लोग मन फिराओ और बपतिस्मा लो ताकि आप पवित्र आत्मा पा सके। हम देखते हैं पवित्र आत्मा एक व्यक्ति को चिंतता है। प्रभु का वचन सुनने के बाद एक व्यक्ति का हृदय चिंतता है। जब वो प्रभु का वचन सुनकर चिंतता है तब वो मन फेरता है। मन फेरना क्या होता है? समझ लो मैं बुरी संगति में रहने वाला हूं, मैं मन फेरा, मतलब क्या है, वो बुरी संगति छोड़कर मैंने प्रभु के पीछे चलने लगा, वो है मन फेरना। मन फेरना रोना नहीं तो चिल्लाना नहीं होता है। मन फेरना क्या होता है, समझ लो मैं पियकड़ हूं भाई, मैं तो मन फेरा, मतलब क्या है, दोबारा मैं उधर नहीं जा सकता हूं क्योंकि मैंने मन फेरा। इसलिए जब हम मन फेरते पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जानते हैं हम प्रभु का संतान है। यूहन्ना सुसमाचार 5:20, यूहन्ना सुसमाचार 5:20, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर भेजने वाले पर विश्वास करता है, प्रतीत करता है, अनंत जीवन उसका है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती, मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुका है। जब विश्वास करते हमको अनंत जीवन मिलता है। इस पृथ्वी पर बिना विश्वास हम जी नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग सच्चाई और सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह मार्ग और सत्य जीवन वही है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्यों? मत्ती सुसमाचार 8 अध्याय में लिखा है, यीशु मसीह को
पाप क्षमा करने का अधिकार है। पापी कौन है? पापी है जो जानता है, जो मानता है, वो सुधरना चाहता है, वही पापी है। मैं दोबारा बोलूंगा, जो जानता है, जो मानता है, जो सुधरना चाहता है, वही पापी है। परमेश्वर पापियों के लिए आया, पापों की क्षमा सबके लिए है, मगर हम पापों की क्षमा नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? हम बुराई में जीना चाहते भाई, बिना चोरी कैसा जी सकते, बिना लड़ाई झगड़ा कैसा जी सकते भाई, बिना धोखा इस पृथ्वी पर जीना मुश्किल है। ना 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 ना, देखो यहाँ क्या लिखा है, योना सुसमाचार 1:12 में, परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। किसका संतान? परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। जब हम परमेश्वर का संतान होने से कुछ कमी नहीं होता है, आपके लिए आपका पैसा नहीं बढ़ता, मगर आपका पैसा नहीं घटता है। अब बोलेंगे भाई मैं कितना कमा, मुझे मालूम है, एक डाकू था और उधार पाया, उधार पाने के बाद मुझसे कहा, पहला तो मेरा जेब में सोना चांदी थी, उसके साथ कर्जा भी थी। ये जब भी मैं इसमें ग्रहण किया, कर्जा ने कुछ नहीं भाई, क्यों? बुराई तो नहीं है भाई, हम कितना खा सकते भाई? सिर्फ 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी खा सकते बस, उतना ही है, मगर बुराई के लिए तो बहुत पैसा होता भाई। उसने कहा जब बुराई छूट गई, मेरे लिए पैसा बहुत बच गया भाई, जो कुछ मैं मेहनत करता हूं सारा पैसा बच जाता है। लड़ना अवश्य नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर लड़ेगा, क्यों? हम परमेश्वर का संतान है। कैसे संतान बन सकते? परंतु जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। जैसा जब बालक क्या पैदा होता है एक परिवार में, उस परिवार में सारा संपत्ति का अधिकार है, क्यों? वो संतान है। वैसे जो आकाश और पृथ्वी को सृष्टि करता क्या संतान है, और इतने आदर है, हम परमेश्वर का संतान है। जब परमेश्वर का संतान होने से परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा, जो कुछ है हमारे पास वो आशीष देगा, तो प्रभु का संतान है। इसलिए प्रभु का संतान होने के लिए पापों की क्षमा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह को पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है। क्यों? यीशु मसीह आया पापियों के लिए, यीशु मसीह पापियों का तो रोटी खाया, पापियों के साथ चला और फिरा, क्यों? आया पापियों के लिए। पापी कौन है? पापी है जो जानता है, जो मानता है, जो सुधरना चाहता है, वही पापी है। धर्मी कौन है? देखो मैं तिहाड़ जेल में दिल्ली में सेवा करता हूं, मैंने पूछा एक आदमी से, तेने क्या किया? भाई साहब मैंने 2 मर्डर किया और मैं वापस बाहर जाऊंगा, तीसरा मर्डर करके मैं वापस जाऊंगा। उसके लिए वो पाप नहीं होता है, उसमें क्या है, मेरा मर्जी है। पापी कौन है? जो जानता है, जो मानता है, जो सुधरना चाहता है, वही पापी है। उनके लिए परमेश्वर तैयार है। हम परमेश्वर जाना अवश्य नहीं, परमेश्वर ही हमारे पास आएगा। हम बारिश के पास नहीं जाते, बारिश हमारे ऊपर ही आएगा भाई। वैसे परमेश्वर का प्रेम इतना महान है, बाइबल लिखा है 1 यूहन्ना 1:9, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करके सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। परमेश्वर तो धर्मी है,
पाप क्षमा करने के तैयार है, मगर हम पाप छोड़ना नहीं चाहते भाई। जब हम पापों के क्षमा पाने से इस शांति आनंद के कारण बुराई में मजा नहीं रहता है, ये भक्ति नहीं है, ये अनुभव है। जैसे एक दारू पियर कट रास्ते में जा रहा है, वो ठीक से नहीं चल सकता भाई, इधर उधर बक 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 करते रहता है। क्या हो गया भाई? वो उसने दारू पिया भाई। कौन देखा भाई? हम तो नहीं देखे। वो चाल चलन में पता लगता है वो तो दारू पिया हुआ है। वैसे प्रभु यीशु मसीह हमारा हृदय में आने से हम भी सुधर जाएंगे। कोई चोट कोई बोलना आवश्यक नहीं है, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, लड़ाई मत करो, ना 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 ना। जो आनंद यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराना चीज बीत गई है, सब कुछ नया हो गया, नया जीवन। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, मैं शांति देता हूं जैसा संसार देता नहीं, मेरा शांति तुझे देता हूं। पर मैं का शांति, भिखारी का शांति क्या है भाई? वो भिखारी बोलता है, भाई आज भीख बहुत मिल गई इसलिए मैं शांति हूं, भिखारी का शांति है। किस्म किस्म का शांति होती है भाई, ये परमेश्वर का शांति है, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता का शांति है। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया हमको अनंत जीवन देने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा हमें आता है, हम परमेश्वर का संतान है। पवित्र आत्मा कब आता है? जब हम मन फेरते, जब हम मन फेरने के बाद पवित्र आत्मा हमारे हृदय बसता है। इसलिए हम जानना चाहिए परमेश्वर से हमसे इतना प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है हम सब लोग उद्धार, पापों को क्षमा का अनुभव पाने के लिए। ये तो परमेश्वर का बलिदान है, परमेश्वर का बख्शीश है, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति देता हूं जैसा संसार देता नहीं, मेरा शांति तुझे देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। हर व्यक्ति में डर है भाई, क्या डर है पता नहीं, क्यों डर रहे थे भाई? तो लोग बस पैसा है सब कुछ है फिर भी डर है, दरी लोगों को डर है, गरीब लोगों को डर है, अनपढ़ के डर है, पढ़े लिखे डर है, क्यों डर है? क्यों? जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में नहीं आता है, डर नहीं हटता है। जब यीशु मसीह जन्म लिया, पहला शब्द स्वर्गदूत का, डरो मत, दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता तुम्हारे लिए। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे पाप क्षमा करने के लिए क्रूस पर हमारा कर्ज चुका दिया। समझ लो, मैं चोरी करना चाहता हूं, चोरी करने के लिए क्या क्या चाहिए भाई? मुझे आंख चाहिए देखने के लिए, मुझे दिमाग चाहिए, कान चाहिए, पांव चाहिए, हाथ चाहिए, सारा बदन एक बुराई करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट रखा गया, मुंह पर थूका गया, थप्पड़ दिया गया, भाल से छेदा गया, कोड़े खाए, हमारे पापों के लिए दो डॉकों के बीच में क्रूस पर तीन कील से लटकाया गया। क्यों? पाप का कर्जा चुकाने के लिए, हमारा पाप कर्जा चुकाने के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर बलिदान हुआ। अभी कोई पूछेंगे भाई किसके लिए मेहनत करते भाई? बच्चों के लिए, है ना? प्रभु यीशु मसीह क्यों बलिदान हुआ? पापियों के लिए। पापी कौन है? जो जानता है
जो मानता है, जो सुधरना चाहता है वो ही पापी है, उनके लिए यीशु मसीह तैयार है। प्रभु ने कहा ए मेहनत करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्यों? परमेश्वर हमसे बुलाता है, प्रेम से हमसे बुलाता है, दयालु परमेश्वर है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए अधिकार है। जब यीशु मसीह पाप क्षमा करता है वो भूल जाता है। पूर्व से पश्चिम कितना दूर है, हमारा पाप उतना दूर करता है, दयालु परमेश्वर है। इसलिए हम जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम सनातन प्रेम है। प्रभु का प्रेम कभी नहीं बदलता है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अनंत काल तक प्रेम करता हूं। इस पृथ्वी सब सारा सब कुछ तत्काल का है, प्रेम भी तत्काल का है, जो हम रहते हैं वो घर भी तत्काल का है भाई। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमको अनंत जीवन देना चाहता है। किसके लिए? जो जानता है, जो मानता है, जो सुधरना चाहता है, उनके लिए परमेश्वर अभी तैयार है। परमेश्वर नहीं चाहता है तुम बर्बाद होने के लिए। हम बोलेंगे भाई कैसा हो सकता है, जब यीशु मसीह ने कहा, ये परम का वचन है। समझ लो, आपने अस्पताल गया, डॉक्टर ने बोला आपको आपको कोविड है, और ये बाप रे डर जाते हैं हम। क्यों? डॉक्टर साहब ने कहा, मैं बाइबल में लिखा है, जो मेरा वचन सुनता है, जो मानता है उनको अनंत जीवन उसका ही है। क्यों? यीशु मसीह आया पापियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने सबसे गरीब घराने में जन्म लेने के लिए निर्णय लिया। क्यों? ताकि सबका दुख को अनुभव करने के लिए। परमेश्वर आपको दुख जानता है। क्यों? उसने अनुभव किया। राजभवन ने जन्म नहीं लिया, गौशाला में जन्म लिया। इसलिए हम जानना चाहिए प्रभु यीशु मसीह का प्रेम इतना महान है और वर्णन से बाहर है। जब तक हम नहीं चखेंगे, एक छोटा लड़का मधु ले जा रहा था और उसको थोड़ा एक उंगली लेके चाटने लगा। किसने पूछा क्या है बेटा? वो तो मधु है। मधु कैसा रहता है? मीठा रहता है भाई। कितना मीठा? बहुत 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 मीठा। बताओ ना कितना मीठा रहता है। वो गुस्सा होके क्या किया, उसने उंगली मधु का वो टोकरी में मधु है उसमें कटोरा में था, वो उंगली लगा के उसको मुंह में घुसा दिया। जब तक हम अनुभव नहीं करते परमेश्वर को समझ नहीं सकते हम। परमेश्वर को अनुभव नहीं अनुभव करना यही मौका है। परमेश्वर हम प्यार से हम उसको बुलाता है, मेरा बेटा आज विश्वास करो, पापों क्षमा मैं दूंगा आपको, मैं तेरा संत, मैं आप मुझे मेरे संतान बन जाओगे। कितना आदर है परम का संतान। जब परम का संतान है तो कुछ कमी नहीं होता है। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन। समझ लो आपका बेटी बीमार है यूपी में, नहीं तो झारखंड में, नहीं तो छत्तीसगढ़ में, नहीं तो कहां भी हो भाई, आप फोन आया बेटी बहुत बीमार है, क्या करें? तुम तो संतान है, अभी हम प्रार्थना कर सकते, प्रभु जी मेरा बेटी बहुत बीमार है, प्रभु जी चूंकि चंगा करो, मैं तेरा संतान हूं, चंगा करेगा। क्यों? यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। ये कथा कहानी नहीं है। जब तक तुम अनुभव नहीं कर सकते करते नहीं समझते। परमेश्वर चाहता है तुम परमेश्वर को अनुभव करने के लिए। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे और आप विश्वास कर सके, और हर रोज आप घुटने टेक के बाइबल पढ़ना चाहिए। हम लोग अभी लोग मेज में भाग लेने जा रहा है, हम प्रार्थना से तैयार करके प्रभु को उपस्थिति में रहेंगे। प्रार्थना होने के बाद हम लोग मेज में भाग लेंगे। प्रार्थना करते हैं मेज के लिए।
प्रभु हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। सुबह से अभी तक प्रभु हमको सहायता किया है आराधना में से सुनने के लिए, व्यक्तिगत रूप से आराधना करने के लिए प्रभु सहायता किया है, और संदेश मेन संदेश के लिए भी हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारा पास जो सामने मेज रखा हुआ है प्रभु, जो हमारे लिए जो त्याग किया है, क्रूस पर अपने आप हमारे लिए अर्पण किया है, लहू बहाया है, प्राण दिया है, इसलिए प्रभु हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु आपका त्याग के लिए हम याद करने के लिए हमारा पास हमारे सामने जो मेज रखा है, मेज के लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आपका लहू से हमको शुद्ध कीजिए, योग्यता रिद्धि से मेज में भाग लेने के लिए सहायता मांगते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रिय भाइयों, आप अभी आपका जहां जहां है आप लोग मेज में भाग ले सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप मेज में भाग लेने के लिए सहायता किया है प्रभु। जो
मेज में भाग लिया है प्रभु, इसके ऊपर हम आशीष मांगते हैं प्रभु। जो किसी कारण से प्रभु मेज में भाग ना ला सका, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, और सहायता कीजिए। और आने वाले दिनों में योग्यता दृष्टि से मेज में भाग लेके आपके शरीर की आशीष पाने के लिए सब लोगों के लिए सहायता कीजिए प्रभु। और जो बचे हुए रोटी और तक इसके जो सर्वाधिक मंडली दिखाते हैं, हम सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस कठिन परिस्थितियों में प्रभु सहायता कीजिए सब लोगों के लिए। हम याद करते हैं सब सेवा को लिए याद करते हैं, सब मिनिस्ट्रीज के लिए याद करते हैं प्रभु। अब आने का समय नजदीक है, इसलिए प्रभु जो सुसमाचार सुनाना है वो हम याद करके आगे बढ़ स्वास्थ्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हमारा बेतलेहम सब वर्षिप आराधनालय का प्रभु सब व्यक्तिगत व्यक्ति को सब परिवारों को हम याद करते हैं प्रभु। आप सब जानते हैं प्रभु जो जो जरूरतों में है उसको सहायता कीजिए। जो प्रभु जो अस्वस्थ है उसको चुन के प्रभु आप उसको स्वस्थ कीजिए, ठीक कर दीजिए प्रभु। और क्या है जो प्रभु जो मिनिस्ट्री चल रहा है मनुष्य के ऊपर हम आशीष मांगते हैं प्रभु। सब लोग बहुत लोग प्रभु उद्धार का अनुभव में आने के लिए प्रभु आपका आशीष हमारा प्रभु मिनिस्ट्री के ऊपर हम पूछते हैं, सहायता कीजिए। और प्रभु इधर अभी तक जो ब्रदर स्टीफन ने हमारा बीच में जो संदेश लाया है इसके लिए हम स्तुति धन्यवाद करते हैं। ब्रदर को हम याद करते हैं प्रभु, उसको परिवार को याद करते हैं, सेवा के लिए मिनिस्ट्री के लिए याद करते हैं प्रभु। सब उस ब्रदर का मिनिस्ट्री पर हम आशीष मांगते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। और अभी तक हमको संभाला है प्रभु ये कठिन परिस्थिति में, हमको प्रभु सहायता करके हमारा विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता मांगते हुए हम सब परिवारों के लिए हम सहायता मांगते हुए सब मंडली के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सहायता कीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मर मांगते हैं प्रभु, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। हम अभी हम एक गाना गाएंगे, गाना गाने के टाइम में आपका ऑफरिंग्स हमारा ऑफरिंग्स ला के हम रख देंगे। अभी ऑनलाइन का प्रोविजन भी है आप जानते हैं, नहीं होने से अब एक जगह इकट्ठा करके जब मंडली चर्च ओपन करेगा तब आके उधर आप जमा कर सकते हैं। तेरी करुणा तन मंदन हमारा
दया करके अनाउंसमेंट सुन लीजिए। जो सब जो परिस्थितियों के कारण हमारा सब मिनिस्ट्री ऑनलाइन में चलेगा, जो भी चेंजेस होता है हम लोग आपका संदेश भेज देंगे और आप सब मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना पूर्वक इसमें भाग लेके और सब स्वर्गीय आशीष पाने के लिए हम निमंत्रण करते हैं। वो ट्यूसडे तो मंगलवार दिन शाम को 6:30 बजे में मंडली प्रार्थना रहता है और सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे बाइबल स्टडी रहता है जूम में, सिस्टर्स मीटिंग और बच्चों के बीच में सबके वो तो सब जूम में ऑनलाइन में चल रहा है चलेगा। और वो आराधना भी प्रभु का इच्छा होने से आने वाला रविवार दिन भी हम जूम या अथवा हम लोग वो इकट्ठा होगा नहीं होगा बहुत इकट्ठा बैतलहम में फिजिकली इकट्ठा होने तक सब मिनिस्ट्री वो जूम में चलेगा। इसलिए सब मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना पूर्वक भागीदार हो के प्रार्थना स्वर्गीय आशीष पाने के लिए हम पाएगा पाना बोल के हमारा अभिलाषा है। प्रार्थना करूंगा मैं। प्रेमी स्वर्गीय पिताजी, दयालु परमेश्वर, दया का धनी, पाप क्षमा कर संकट को दूर करने वाला, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो भाई लोग वचन सुन रहे प्रभु जी उन पर दया करो प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा उनका हृदय में गहरा काम कीजिए। तू दयालु परमेश्वर प्रभु जी, हमारी प्रार्थना सुनता है प्रभु जी, तेरे एक ही आशा प्रभु, हम सब लोग पापों क्षमा पाने के लिए, सब लोग स्वर्ग जाने के लिए तेरी एक ही आशा है प्रभु जी, क्योंकि तू आया पापियों के लिए, क्रूस पर बलिदान हुआ पापियों के लिए, और तू दोबारा वापस आएगा जिसका पाप क्षमा हुआ तू ले जाने के लिए प्रभु जी, तेरे वचन पर आशीष दीजिए, हमारा प्रार्थना सुनिए प्रभु से ग्रहण कर, आमीन। प्रभु ईश्वर कृपा, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभाग्यता हमें सबके साथ हो, आमीन। जय मसीह की।